मूवी वॉज टू ऑसम. लाइक ऋतिक रोशन 2 साल के बाद वापस आ गए आफ्टर काबिल. इट्स टू अमेजिंग मूवी. एक्टिंग वॉज ओके था, मतलब इतना ग्रो नहीं था. मतलब जैसा बिहारी का जो रोल था अच्छा किया है, बट मुझे ऐसा बीच बीच में ऐसे उन लोग का मतलब जो उनका जो लुक था, मतलब जो कोई मिल गया का याद आया मुझे, कोई मिल गया क्रिश के बारे में थोड़ा थोड़ा उनका एक्सप्रेशन लाइक देखने का ना, थोड़ा थोड़ा उनकी याद आ गई मेरे को. या ट्रू स्टोरी पे इवेंट पे बेस्ड है. 1996 टू 2017 से ने जितनी जर्नी दिखाई है जो आनंद कुमार की, वो ऐसी जर्नी थी उनके लिए जो किसी के लिए था ही नहीं. पहली बार मतलब ये मूवी सिखाना कह जाती है, जो अभी कोई कोई लोग बोलते हैं कि आधी जिंदगी मैथ्स नहीं खराब की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. मैथमेटिक्स से ऐसा बेस्ड है जो हम लोग चलते हैं, कितना कदम चलते हैं उसे कैलकुलेट कितना करता है, कितना कैलकुलेट होता है वो उसके ऊपर डिपेंड है. अरे बाप रे, पंकज त्रिपाठी वॉज जैसा मिर्जापुर में, जैसे ऐसा अदर मूवीज में वैसे उनका एक्टिंग स्किल्स भी ग्रो अप है ना, वो मूवी में दिख रहा था मुझे जबरदस्त. आउट ऑफ 5 मूवी को 4.5. हाँ, आउट ऑफ 5 4.5 नो डाउट. मतलब क्योंकि मूवी का क्लाइमैक्स इतना ज़बरदस्त है कि मैं खुद शॉक्ड हूँ. और एंड का जो एक्सप्लेनेशन था ना मूवी का, वॉज टू ऑसम. ऑब्वियसली ये मूवी है ना टीनेजर, मतलब हम लोग के लिए जो मूवी है वो देखना ही चाहिए. क्योंकि कोई कोई लोग बोलते हैं कि ये मूवी मैथमेटिक्स इतना ये नहीं है, क्या है मैथमेटिक्स है क्या नहीं है, कुछ नहीं है. क्योंकि मैथमेटिक्स है ऐसा सब्जेक्ट है को जो आगे बढ़ा सके, क्योंकि अकाउंट्स हो, बैंकिंग हो, मैनेजमेंट हो, सबके लिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है. कोई कोई लोग बोलते हैं कि मैथमेटिक्स क्या कुछ है ही नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आगे ले जा सके. और ये मूवी में यही बताया मूवी में. अरे चलेगी नहीं, दौड़ेगी उल्टा, क्योंकि अभी पब्लिक इतना नहीं था. मतलब एज एक्सपेक्टेड, मतलब देखने गए तो लाइक 60% थिएटर फुल था, 40% पूरा खाली था. ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ठीक है. मतलब अभी माउट पब्लिसिटी हो गई तो ऑब्वियसली ग्रो होगी ही होगी, इतना डर नहीं. ऑब्वियसली ये मूवी आप जरूर जाके देखो, लेकिन हाँ ये मूवी आप मोबाइल लैपटॉप पायरेसी का शिकार मत करो. लेकिन ये मूवी सिर्फ थिएटर में आके देखो, क्योंकि आप पे घर पे देख के कुछ फायदा नहीं, लेकिन आपको थिएटर में जो फील है वही आपको मिलेगा. इतना बैठने बता सकता हूँ बस. थैंक यू. सबसे पहला सवाल, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी पिक्चर है सुपर 30. मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि एक बार देखिए. आज ऐसा हो रहा है यूपी बिहार हर एक जगह हो रहा है, एमपी में जो पढ़े लिखे रहते हैं उनको आगे चांस नहीं मिलता है, और जो पैसे वाले हैं उनको दबा देते हैं. ऐसे बहुत सी जगह है, मुंबई में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बहुत सी जगह हो रहा है. बट लोगों को देखना चाहिए एक बार. बहुत बढ़िया बेहतरीन. और साल में एक फिल्म ऐसी देना चाहिए यूपी बिहार के ऊपर से ऋतिक रोशन को. और आनंद कुमार जी के ऊपर जो बायोपिक बनी हुई है, उनके उनके लाइफ के ऊपर बनाया गया, तो स्टोरी कितनी पसंद आई? बहुत अच्छी स्टोरी लगी है. कुछ लोगों को तो नहीं पसंद आएगी, कुछ आइटम सॉन्ग वगैरह होता तो अच्छा लगता, बट लेकिन मिला जुला के फिल्म बहुत अच्छी है. और जो हीरोइन है उसका भी काम अच्छा है अपनी जगह. सपोर्टिंग कास्ट बोले पंकज त्रिपाठी भी है, उनका भी काम बढ़िया है, बहुत बेहतर. कितना स्टार? 4 देना चाहता हूँ. लोगों को ये मूवी पसंद आएगी, देखनी चाहिए, एक बार देखनी चाहिए लोगों को, जरूर देखनी चाहिए. थैंक यू.